वेलकम टू द सुप्रिया टॉक शो। आज हम आपको हल्दी का मेकअप बताने वाले हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा, बहुत कम चीज़ों से कर लेंगे हम लोग। और हमने साड़ी पे दिखाने वाले हम लोग, तो साड़ी हमने पहले से ड्रॉप कर ली है, तो अब हम मेकअप और हेयर स्टाइल बताएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। हम पहले हम फेस पे गुड वाइब्स का रोज टोनर लगाएंगे। ये क्यों लगाना है? इससे अच्छा रहता है, पहले से फेस पे रहेगा तो फेस ड्राई नहीं लगेगा आपका। तो हम शुरू करते हैं अपना मेकअप। मैं लगाने जा रही हूँ एसक्यू का लिक्विड फाउंडेशन। अब हम फाउंडेशन लगाने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कभी भी फाउंडेशन या कॉम्पैक्ट जो भी आप यूज कर रहे हो, कभी भी नेक तक पूरा करना चाहिए, वरना बहुत अजीब सा अलग से लग के आएगा, कोई भी बोल देगा कि बहुत ज्यादा मेकअप किया है। तो अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा रहेगा कि अगर आप स्पॉन्ज से ही ब्लेंड करें। जैसे कि पिछली बार मैंने बताया था कि कभी भी फाउंडेशन दो तरीके से ब्लेंड किया जाता है, या तो आप ऐसे गोल राउंड उसमें करते जाओ, या तो स्ट्रेट वे में। ऐसे ही धीरे धीरे आपको पूरा नेक तक पूरा ब्लेंड कर लेना है। तो ब्लेंड करके हो गया है, तो अब हम कंसीलर यूज करेंगे। ये मैं NY का यूज कर रही हूँ। हम जो कंसीलर या फाउंडेशन यूज करते हैं, इससे ना ब्लेंड जितना अच्छा आप करोगे ना,
उतना ही वो अच्छा दिख के आता है। इस पलकों पे क्यों लगाया है? पलके बहुत ब्लैक कलर जब हो जाता है ना, तो जब अगर हम ये यूज करते हैं तो एक टोन फेस के उसमें आ जाता है, जब आई शेडो लगाओ तो वो बहुत खिल के दिखता है और अच्छा लगता है। हमने कंसीलर भी अच्छे से एकदम ब्लेंड कर लिया है। देखिए जितना अच्छे से आप करेंगे वो उतना अच्छे से ही दिखेगा। अगर आपने ज़्यादा सोचा कि ज़्यादा लगा लेते हैं और अच्छे से दिखेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर देगा आपके चेहरे को। मेकअप वैसे ही कीजिए जो आपके चेहरे पे बहुत अच्छा दिखे। अभी मैं फेस पाउडर कॉम्पैक्ट लगाने जा रही हूँ, वो भी NY का ही है। कॉम्पैक्ट जैसे कि मैंने पहले बताया था मेरे पिछले वीडियो में, आप चेक कर सकते हैं, कभी भी कॉम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा ही अच्छे से लगाइए, क्योंकि अगर आपको स्वेटिंग हो रही हो या फेस थोड़ा ऑयली हो रहा हो तो वो ठीक कर देता है। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट अपने स्किन टोन से ज़्यादा भी वाइट कलर मत लीजिए, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो स्किन पे चेक करके लीजिए कि ये कैसा लग रहा है, ये कैसा, जो अच्छा लगे वही लीजिए। कॉम्पैक्ट लगा के भी हो गया है, अब हम आई शेडो यूज करने जा रहे हैं। ये मेरा मैबलिन का है। ठीक है, तो मैं इसका जो कॉर्नर रहेगा वो ब्राउन कलर ले रही हूँ मैं, तो देख लो ये ब्राउन कलर। सिर्फ कॉर्नर हमें ब्राउन करना है, ठीक है, कभी भी कॉर्नर ना डार्क कलर किया जाता है। और कभी भी एब्रो के कॉर्नर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, चाहे वो आईलाइनर आप लगा रहे हो या आई शेड्स लगा रहे हो, ठीक है। ये देखिए मैंने इसे इस तरीके से लगाया है। अब जो सेंटर का पार्ट है वहां पे मैं ये गोल्डन लगाने जा रही हूँ।
मैं बहुत हल्का सा ये सिल्वर कलर का शिमर सेंटर में हल्का सा करूंगी। ये मैंने बहुत हल्का कर रही हूँ, आप चाहो तो ये स्किप भी कर सकते हैं। सो आप खुलो, आप देख सकते हैं मैंने बोला था कि मैं बहुत सिंपल में करूंगी, तो सेम यही हम दूसरे वाले आप पे भी कर लेंगे। वो मतलब सीमर क्यों लगाते हैं? मतलब फंक्शन इस सब में बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग के मेकअप में भी चलेगा? नहीं, ये ज्यादातर नाइट में ही किया जाता है। ये भी मैंने कर लिया है, अभी मुझे ये गोल्डन कलर लगाना है। कभी भी अगर आई शेड इस पे गिर गई तो उसे पोंछने की कोशिश मत करना, नहीं तो वो पूरा फेस आपका बर्बाद कर देगा। फेस मतलब जो मेकअप आपने किया होगा ना, वो खराब कर देगा। तो ये मेरा करके हो गया है। मैं बहुत ही हल्का सा ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ब्लैक के बगल में, आपको बहुत ही हल्का सा ऐसे लेंगे। बहुत हल्का सा मैंने किया है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, पर ये करने में थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है इसलिए। तो पहले तो मैं लिपस्टिक लगा देती हूँ, तो मैं एसक्यू की मिनी लिपस्टिक यूज करने जा रही हूँ। किस नंबर वन से है? किट नंबर 1 है ये, ठीक है? इसमें सब मिक्स मिला हुआ है मुझे, तो मुझे लगेगा मैंने इसमें लिया है नंबर 40। जैसे कि पिछली बार मैंने आप लोग को बताया, कभी भी एम बनाकर ही लिपस्टिक लगाइएगा, नहीं तो ऊपर नीचे लिपस्टिक हो जाएगी। हाँ मैं आपको बताना भूल गई कि मेकअप के पहले ही मैंने इन्हें पर्पल डॉट कॉम से ये मैंने उसका लिप बाम मंगाया था, वो लगाया मैंने।
कलर बहुत अच्छा लग रहा है 40 नंबर। हम बिंदी लगा देंगे। देखो मैं येलो कलर लगाने वाली थी पर मुझे ऐसा लग रहा है रेड लगाऊं कि येलो लगाऊं, मैं इनसे पूछ लेती हूँ। इतनी लगाई एक ही वाली लगाई इसमें से ब्राउन ले लेते हैं। ब्राउन ये थोड़े रेड पे ना ये बिंदी भी लगा दी है हमने। अब बचा क्या? अब बचा हमारा एब्रो। अब एब्रो को हमको करना है, वो भी मैं करने वाली हूँ आई शेड से। जैसे कि आपने मेरा पिछला अगर वीडियो देखा हो आपको पता होगा कि मैं आई शेडो से ही एब्रो बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ब्लैक कलर मत यूज़ कीजिएगा आईब्रो बनाते वक्त। आईब्रो बनाते वक्त आप कभी भी पेंसिल यूज़ करें या आई शेड जो भी यूज़ करें, ब्राउन कलर बहुत अच्छा लगता है, नेचुरल लगता है। ये देखिए मैंने एक साइड का आईब्रो बनाया। जैसे कि लॉकडाउन की वजह से कोई भी आईब्रो नहीं बना पा रहा, तो आईब्रो सबके ही अजीब से ही दिखते हैं। मैंने इनकी दोनों आईब्रो को कर दिया। आईब्रो बनाने के बाद फेस बहुत खिला हुआ लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब हम लगाने जा रहे हैं काजल। ये भी मैंने NY का ही है। ठीक है, सो हल्का सा कॉम्पैक्ट क्लीन कर लूंगी जो शेड आई शेड्स। मैंने पहले ही कहा था इसे कभी रफली ऐसे मत करना आप, वरना फेस खराब हो सकता है, इसलिए टैप करके फूक मारते मारते क्लीन करना। तो अब हम काजल लगाएंगे। दूसरे आंख पे भी एकदम वैसे हम कर लेंगे।
मैंने दूसरे आँख पे भी कर दिया है। काजल मैंने नीचे लगाया ऊपर इसलिए नहीं क्योंकि हमको सिंपल लुक देना था, मैं चाहती हूँ तो ऊपर से भी कर सकती थी लेकिन फिर वो थोड़ा सा हैवी में लुक में आ जाता। तो लोअर लिप पे भी मैंने अच्छे से पूरा काजल लगा लिया है। तो अब हम हेयर स्टाइल करने जा रहे हैं। सो हेयर स्टाइल भी मैं बहुत सिंपल करने वाली हूँ। सिंपल करना आपको बाल लेने आपको आगे से अगर मैसी भी दिखता है तो वो अच्छा दिखेगा। इनके आगे से बाल थोड़े से ऐसे बहुत छोटे कट कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया था कभी भी बाल को ऐसे ही रखना। हमने कोम भी यूज नहीं किया है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल हमने हेयर स्टाइल कर दी है। और अब हम इयर रिंग पहनेंगे। अच्छा आप लोगों ने मेरा इयररिंग कलेक्शन देखा है कि नहीं प्लीज जाके वो भी चेक कर लीजिए। उसमें ये इयररिंग नहीं दिखेगी क्योंकि मैंने कुछ ही इयररिंग्स दिखाई है अभी तक अपने। अच्छे से पूरा कर लेंगे हम। सो ये बहुत ज्यादा सिंपल में है लुक, इसीलिए
हम जो गले में भी पहनाने वाले हैं बहुत सिंपल पहनाने वाले हैं। ये गले में सिंपल सा पहना लेंगे हमने। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सिंपल गले में हमने डाला है, कोई भड़कीला नहीं, बहुत ज्यादा ही सिंपल, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। तो हमारा हल्दी का मेकअप कंप्लीट है, तो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। तो आपको मैं पूरा मेकअप अब दिखाती हूँ। साड़ी भी दिखाएंगे हम कि हमने साड़ी कैसे ड्रेप की है। कैसा लगा ये जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ये साड़ी करने का ड्रेप का स्टाइल सच में अच्छा लगा हो तो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, तो हम आपको ये भी करके बताएंगे। और अगर आपको मेरी और इयररिंग के सेट्स देखने हैं कलेक्शन, तो आप मुझे वो भी बोलिए तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। मैं आपको नेकलेस के भी अपने कलेक्शन दिखाऊंगी। सो जिनका मैंने मेकअप किया उनसे भी पूछ लेते हैं कि उन्हें कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है और एक कोई भी कर सकता है। हमने कोई ज़्यादा चीज़ यूज़ नहीं की है मेकअप करने में, कुछ दो तीन चीज़ों से हमने पूरा हल्दी का लुक किया है। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। थैंक यू।